नमस्कार दोस्तों, लाइव साइंस की ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब और जो पाठशाला के माध्यम से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो स्टडी मटेरियल था वो अब तक डाल चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि वो आपको पसंद आया होगा। यूं समझो दोस्तों, हमारा जो मोटिव था वो कम समय में आपके लिए अधिक स्टडी मटेरियल या कम समय में आपके लिए अधिक सारगर्भित बातें शामिल करना था। और यूं समझो कि इस मेथड में हम लोग कामयाब भी हुए हैं। यानी जो थ्योरी का जो पार्ट ले लीजिए या प्रैक्टिकल का जो पार्ट ले लीजिए, उसको आप जितना हो सके, जितना ज्यादा आप उसके लिए कंटिन्यूटी रख सकें, उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। दोस्तों, पहले मार्केट में बुक लॉन्च की थी हमने थ्योरी की, थ्योरी भी एक अच्छी प्रकार की थ्योरी थी और बहुत सी चीजें उसके अंदर शामिल थी। इस बार एक नई किताब के साथ में फिर आपके सामने हाजिर हैं और नई किताब जो थी वो हमारी थी, उसमें ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन दोनों किए हुए थे। यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन थे और ऑब्जेक्टिव के साथ में नीचे उसका स्वरूप लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो भी आपके लिए क्या है कि आने वाली एग्जाम के लिए एक जो रामबाण औषधि है उसके रूप में क्या होगी, वो साबित होगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो कम टाइम में अधिक सीखे या कम टाइम में जो अधिक अपने को जानकारियां मिल सके, वो काम अपने को क्या करना, आने वाले कुछ दिनों में करना है। अब अपने पास में चुनिंदा समय ही शेष बचा हुआ है। दोस्तों, यूजीसी नेट ने भी अपनी डेट जो है वो घोषित कर दी है। यानी यूजीसी नेट का एग्जाम भी सितंबर में होना है, सितंबर में अपना ये लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड होना है। तो दोनों के लिए अगर आप इक्वल तैयारी कर रहे हैं या दोनों के लिए आप सब्जेक्ट को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है दोस्तों, वो है आपका सिलेबस। और सिलेबस में अगर आप बिंदुवार अध्ययन करते हैं, यानी सिलेबस की प्रत्येक चीज को आप भली भांति पढ़ते हैं, तो आप यूं समझिएगा कि आपके पास में बहुत सारा मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिलहाल जो आपको जो काम करना है वो ये करना है दोस्तों कि नई चीजें जो है, एकदम से जो नई चीजें हैं उनको आपको पढ़ने से बचना है, और जो आपने पुराना पढ़ रखा है या आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने लाइन टू लाइन पढ़ रखा है, जैसे लाइब्रेरी क्या है या लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन क्या होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है, और साथ ही बात करें तो रेफरेंस सर्विस क्या है, या बेसिक कंप्यूटर का पार्ट ले लीजिए या फिर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ले लीजिए। यानी सारी चीजें जो आपने पूर्व में पढ़ी है उन्हीं को आप क्या करें, बिंदुवार अध्ययन करें। साथ ही आपके सामने जब भी आप बैठे रहें उस दौरान आपके सामने सिलेबस जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस होगा दोस्तों, तो उससे आपको फायदा ही होगा कि आपको पता चलेगा कि मैंने अब तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। दोस्तों, अपने पास चुनिंदा समय है, यानी कहने का मतलब 20 से 25 दिन है, और इन 20 से 25 दिनों में आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है या आप सिलेक्शन की दौड़ में तभी बने रह सकते हैं जब आपके पास में पीछे का जो मटेरियल था या पीछे जो आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की या जैसी भी पढ़ाई की वो अगर आपके दिमाग में है, तो आप यूं समझिएगा कि आपके पास में एक अच्छा जो एक नौकरी लगने वाला जो कलेक्शन होता है वो आपके पास में क्या है, सुरक्षित है। उसको खाली आपको क्या करना है, धारित करना है। अब धारित कैसे करें, देखो उसके लिए अपने पास बाकायदा 100 क्वेश्चनों के लिए 5 यूनिट बने हुए हैं। यानी प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन बनने हैं, 20 क्वेश्चन बनने हैं, चाहे वो यूनिट फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, प्रत्येक यूनिट से 20-20 क्वेश्चन बनने हैं, 40-40 अंकों का काम होना है। अब 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस यूनिट से कैसा पढ़ाव बनेगा, किस यूनिट को आप किस भांति पढ़े या कौन से तरीके से पढ़े जिससे वो आपको याद रह सके, वो सारी बातें मैं आज की वीडियो में क्या करूंगा, आपके सामने शेयर करूंगा। कहने का तात्पर्य केवल और केवल यही है कि जो थ्योरी का पार्ट है उसको थ्योरी के तरीके से पढ़े, और जो प्रैक्टिकल की चीज है या टेक्निकल चीज है उनको टेक्निकल या प्रैक्टिकल तरीके से पढ़े। थ्योरी वाले तरीके में आप प्रैक्टिकल ना घुसेड़े या प्रैक्टिकल वाले तरीके में आप थ्योरी ना घुसेड़े, दोनों को अगर आप एक दूसरे से अलग करने में अगर कामयाब हुए, तो आप आसानी से एग्जाम को क्या कर लेंगे दोस्तों, क्रैक करेंगे। और एग्जाम क्रैक नहीं भी हुआ तो भी आप यूं समझिएगा कि यूजीसी नेट क्वालिफाई, और नेट क्वालिफाई भी नहीं हुए दोस्तों, तो आप उसके नजदीक जरूर पहुंचेंगे। और आपको अपने आप में ये जरूर लगेगा कि मैंने चाहे किन्हीं भी माध्यम से पढ़ा हो, यानी आप जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास में इग्नू का स्टडी मटेरियल हो, वर्धमान कोटा का स्टडी मटेरियल हो, या अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल हो, वो आपने पढ़ा और उससे आपको सीक्वेंस के वाइज आपको क्या मिले, वहां क्वेश्चन मिले, तो अपने आपको ये जरूर फील होगा कि मुझे तैयारी में इस चीज को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और मेरी अगर कमी रह रही है तो यहाँ कमी रह रही है। तो ये सारी चीजें अपन आज क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना टाइम शेड्यूल, यानी टाइम शेड्यूल जो है दोस्तों वो अपने पास में 20 से 25 डेज, और 20 से 25 डेज में आप देखो किसको क्या टाइम दें। तो सबसे पहले तो इस 20 से 25 दिन के टाइम को आप डिवाइड कर लो 5 भागों में, यानी 5 भागों में बात करें दोस्तों, तो आप सबसे पहले इसमें शामिल करो यूनिट फर्स्ट को।
सबसे पहले आप शामिल करो किसको, यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है ये लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, केवल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है। और लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों यहाँ से तो आप यू समझो कि यहाँ है क्या, यहाँ देखो सबसे पहले तो है पुस्तकालय की अवधारणा, साथ ही अवधारणा के अलावा बात करें तो समाज में भूमिका, समाज में भूमिका यानी भूमिका। उसके बाद में बात करें तो इसके प्रकार, प्रकार के बाद में बात करें तो पुस्तकालय का आंदोलन, आंदोलन के बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ से छोटी छोटी चीजें कि पुस्तकालय की शिक्षा, शिक्षा के अलावा और दो चार छोटी छोटी बातें करें दोस्तों तो पुस्तकालय विज्ञान के लिए 5 लॉज का विवरण यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। और बात करें तो यहाँ पर बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके अलावा बात करें दोस्तों बौद्धिक संपदा के अलावा तो जनसंपर्क एवं प्रसार गतिविधियां। और बात करें जनसंपर्क के अलावा तो यहाँ से आप ले दोस्तों सेंसरशिप, सेंसरशिप के अलावा आप ले तो 4 मोटे मोटे बिंदु ILA, साथ ही इफला, इफला के अलावा यूनेस्को, यूनेस्को और RRRF। ये सारा का सारा क्या है, यूनिट फर्स्ट है। यानी कहने का मतलब इस यूनिट के फर्स्ट को आपको पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको सबसे पहले थ्योरी पर फोकस करना पड़ेगा। अब थ्योरी का फोकस देखो कैसे है कि कोई भी चीज है उसको अगर आप कहानी की तरह पढ़ते हैं उसको आप बिंदुवार लिख लीजिए, बिंदुवार बना लीजिए। जैसे यहाँ भी बीच में मैंने 1-2 छोटी छोटी बातें छोड़ी हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइन लिखी, आपने वहां पर लिख लिया कि शायद ये वाला लाइन है पुस्तकालय आंदोलन है। पुस्तकालय आंदोलन को आप एक लाइन में पढ़ सकते हैं या पुस्तकालय आंदोलन की थ्योरी लेकर आप बैठते हैं तो आप आराम से आधे या 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, थ्योरी को पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब टॉपिक चाहे कितने ही हो आपको पहला काम करना है, वो काम अपने दिमाग को पहले ही सेट करना है कि मुझे क्या करना है, यूनिट फर्स्ट से क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी के जितना मटेरियल है वो सारा का सारा आपको हमारी बुक में मिल जाएगा, साथ ही उस बुक में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है तो वहां भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, जैसे यहां से अगर प्रश्न उठे तो यहाँ से प्रश्न डेलनेट का बन सकता है, यहाँ से डेलनेट का प्रश्न बन सकता है, OCLC का प्रश्न बन सकता है, OCLC का भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है, या यहाँ पर इनफ्लिपनेट से क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिट फर्स्ट में है, और वो यूनिट फर्स्ट जो है वो किसको इंडिकेशन करता है, तो वो यूं समझो थ्योरी को इंडिकेशन करता है। दोस्तों प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में एक लगभग जैसे 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट का काम हो सके, ऐसा कोई और भी काम कर सके। यानी कहने का मतलब पूरा थ्योरी जो है वो थ्योरी अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो आप यूं समझो दोस्तों 2 से 3 दिन यानी मैक्सिमम आप यहाँ पर टाइम देना चाहें तो आप यहाँ से 2 से 3 डेज में यानी इसके फर्स्ट यूनिट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों साथ ही इसकी सेकंड यूनिट की यानी यूनिट संख्या सेकंड, तो यूनिट संख्या सेकंड में जो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बिठाना है वो अपना काम पहले आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला काम तो है कि नया कुछ नहीं पढ़ना आपको। यानी इस समय अगर आप नया पढ़ने में अपना समय गवा देंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो UGC NET में है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में नहीं है, आपको कोई बोलेगा कि आप सहायक अनुक्रम के सिद्धांत सीखना चाह रहे हैं, आपको अल्फाबेटिकल शुरू से आपको ये नहीं पता कि मेन क्लास कौन सी की क्या है, तो आप सहायक अनुक्रम में अगर अपना समय गवाएंगे तो वहां से शायद प्रश्न के सही होने की संभावना जो है वो नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप नया नहीं पढ़े। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि मैं विषय शीर्षक निर्माण की विधियां पढ़ लूं, या विषय शीर्षक निर्माण के अलावा बात करूं तो सूचीकरण के उपसूत्रों को पढ़ लूं, या वर्गीकरण के उपसूत्र पढ़ लूं और उनको क्या कर लूं, सीक्वेंस वाइज याद कर लूं। तो आप भी समझो दोस्तों सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पर करना है वो आपको करना है क्लासिफिकेशन याद करना है, साथ ही क्लासिफिकेशन की स्कीम याद करनी है, CC क्या है, DDC क्या है, यानी छोटी छोटी चीजों से आप क्या करेंगे, जुड़ाव करेंगे। सबसे पहली लाइन से शुरू करें तो सबसे पहली लाइन जो है दोस्तों वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में भी डेफिनेशन है, इसके टाइप्स हैं, इसका यूज पहले कहाँ हुआ, कौन करता है, इसके फायदे क्या है या इसका उद्देश्य क्या था। फिर अगर आप बात करें दोस्तों तो आप यहाँ से पढ़ेंगे CC को, और CC के बाद आप पढ़ेंगे DDC को। दोस्तों ये समझो कि इस पड़ाव से, इन पड़ाव से एक एक प्रश्नों की भी बात करें तो यहाँ से एक साथ आपके 3 प्रश्न क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, या 3 प्रश्न जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। दोस्तों DDC और CC इन दोनों से 2-2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी क्या रहेगी, संभावना रहेगी। इसके आगे के बाद पड़ाव की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ से सीखना है, वो आपको सीखना है कैटलॉगिंग, वो आपको सीखना है क्या, कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण क्या होता है। और सूचीकरण के लिए भी अगर बात करें दोस्तों तो अपने को यहाँ सीखना है CCC, और इसके अलावा बात करें तो AACR2
AACR2। दोस्तों ये जो यूनिट जो है यूनिट संख्या सेकंड जो है वो पूर्णतया प्रैक्टिकल है। पूर्णतया कैसी यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट है। और इस प्रैक्टिकल यूनिट में अगर बात करें दोस्तों अपने को अपन बात करें इस प्रैक्टिकल यूनिट में, तो आप ये समझो कि इसमें आपको सबसे पहले प्रायोगिक जो भी चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, भली भांति पढ़नी है। यहाँ पर आपको रटने वाला मसौदा तैयार नहीं करना दोस्तों, रटने से कोई चीज याद तो होंगी नहीं। देखो अगर आपने पढ़ रखा है पूर्व में तो आप लाइन टू लाइन बता देंगे कि डीडीसी 1876 में शुरू होती है, 85, 88, 91, 94, 99, 11, 13, 15, 19 के बाद में बात करो तो 22, 27, 32, उसके बाद में 42 के बाद में आप सीधे बात करो दोस्तों तो 51, 51 के बाद 52, 58, 58 के बाद में बात करो 65, 71 और 71 के बाद में बात करो दोस्तों तो 79, 79 के बाद 89, 96, 2003 और 2011। आप सारे को काउंट करें दोस्तों, पूरे 23 के 23 संस्करण रहेंगे। ये रटने से नहीं होगा दोस्तों, ये आप बार बार इनको पढ़ेंगे या आपने पूर्व में पढ़ रखे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर आप सीसी को याद करते हैं तो सीसी 1933, 39, 50, 52, 57, 57 के बाद में 60, 63 में रिप्रिंट होता है और 87। ऐसे ही आप ट्रिपल सी को याद करेंगे तो 34, 34 के बाद 58, 51 के बाद में 58 और फिर 64। दोस्तों कई जगह मेरे बारे में भी लिखा रहेगा, मैं जैसा कि सभी लोग जानते हैं प्रत्येक आदमी का काम जो होता है वो अच्छा प्रयास करने का होता है कि आपने डेट तो बहुत अच्छे तरीके से रट रखी है, तो डेट रटने से नहीं होती है दोस्तों। डेट के बारे में आप फोकस करेंगे, जैसा आपने यहाँ पर भाटी सर ने डाला था कालानुक्रमिक विकास, यानी सर ने बहुत ही शानदार तरीके का प्रयास किया था कि कालानुक्रमिक विकास क्या होता है। तो कालानुक्रमिक विकास में अगर आपने कहीं भी पढ़ा कि 1951 में क्या हुआ तो आपको 1951 सीधा दिमाग में आना चाहिए, आपके सीधा दिमाग में आना चाहिए कि 1876 अमेरिका के इतिहास में युगांतरकारी वर्ष क्यों कहलाता है। तो वहां पर सीधा आपके लाइब्रेरी जनरल, डीडीसी, मेलविन डेवी, सीए कटर, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में आती है तो आपका जो पहला जो काम था यहां पर वो केवल और केवल जो आपका काम था वो यही था कि आपने कालानुक्रमिक यानी काल के अनुसार आपने उसको क्या किया है, पढ़ने का प्रयास किया है। और काल के अनुसार पढ़ने का प्रयास किया तभी आपकी ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, याद हो चुकी हैं। दोस्तों ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, मैं भी उतना ही जानता हूं जितना प्रयास करता हूं, या फिर जितना अच्छा पढ़ता हूं उतना ही अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूं। कहने का मतलब सब लोग करत करत अभ्यास के क्या होते हैं, एक अच्छे प्रकार के इंसान बनने का प्रयास करते हैं। जैसे आप क्लासिफिकेशन की स्कीम्स को लेंगे तो आपको केवल 9 स्कीम याद करनी है, उसके लिए अगर आप काल के अनुसार चले जैसे 1876, 1891, 1904, 1905 और 1906 उसके बाद में आए तो आप आगे 33, फिर आगे 35, उसके बाद में 1961 और उसके बाद 1978, यानी सारी 9 स्कीम है। आप तो 9 कौन सी, डीडीसी, ईसी, एलसीसी, यूटीसी, एससी, बीसी, और बीसी के पहले एक दोस्तों सीसी बच गया, तो सीसी, बीसी, आरआईसी और यहां से एक अंतिम बचे तो वो है बीएसओ। कहने का मतलब दोस्तों ये रटने से नहीं होगा, ये अपने माइंड को आपको प्रैक्टिकली बनाना पड़ेगा कि अगर आप एक साथ कहीं पहले गियर में चल रहे हैं, अगर आपको पांचवें में चलाने की आवश्यकता पड़ गई तो आप पांचवें में चलाएं, अगर आप पांचवें से चल रहे हैं और आपको कहीं पहले की जरूरत पड़ गई तो आप वहां पर क्या चलाएं, पहला चलाएं। तो थ्योरी के साथ में आप प्रैक्टिकल को जरूर इंक्लूड करें, या दोनों को अलग अलग जगह रखें, पहले आप प्रैक्टिकल पढ़े और उसके बाद में आप क्या पढ़े, थ्योरी पढ़े। तो ऐसा अगर आप करने में कामयाब होते हैं तो आप यूं समझिए दोस्तों यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों से आप क्या हो जाएंगे, आसानी से जितने प्रश्न आते हैं उनमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यूनिट संख्या थर्ड की, यानी यूनिट अपनी जो है थर्ड, और यूनिट थर्ड में अगर बात करें अपन तो आप यू समझो कि यूनिट थर्ड जो है वो पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वो किस से रिलेटेड है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट में भी आपको देखो क्या करना है, तो यहां पर आपको करना है केवल लाइब्रेरी का मैनेजमेंट, यहां पर आपको करना है किसका मैनेजमेंट, केवल लाइब्रेरी का मैनेजमेंट। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैनेजमेंट शब्द का उपयोग कौन करता है, लुईस बर्डीन कौन था, या लुईस बर्डीन या बर्डीज कौन था, या हेनरी फ्योल कौन था, एफ डब्ल्यू टेलर की भी कोई विशिष्ट भूमिका थी क्या, या जो एमबीओ देने वाला था वो कौन था, पीटर डुकर या पीटर पायर में अंतर है या नहीं है। अगर आपके सामने एक जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जैसे शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा स्कूल,
तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों है क्या, अलग अलग है, और अलग अलग जो है यही अपने को एग्जाम में क्या करेंगे, फंसाएंगे। जैसे देखो एग्जाम में हर बार प्रश्न आ रहा है दोस्तों, यहाँ से एमबीओ हर बार पूछा जा रहा है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए एमबीओ क्या है, और साथ ही जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है जेड बीबी का, यानी जेड बीबी क्या है, तो पीटर पायर और पीटर डुकर जो है दोस्तों वो दोनों आपको क्या करने चाहिए, अलग करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए पीटर पायर किससे, जीरो बेस बजट से जुड़ा हुआ है, तो एमबीओ जो है वो क्या है, पीटर डुकर जो है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब केवल यही है कि पहला यूनिट जो थ्योरी था, दूसरा प्रैक्टिकल था, तो तीसरा यूनिट जो है वो ये समझो आप टेक्निकल यूनिट है। अगर इसमें छोटी छोटी जानकारियां जैसे लाइब्रेरी के सेक्शन अगर आपको याद करने, तो कौन से सेक्शन का स्वरूप क्या रहेगा, या कितने सेक्शन है, उन सेक्शन का स्वरूप, किस सेक्शन में खरीदने का कार्य, किस में व्यवस्थापन का कार्य, किस में पाठकों के साथ में आदान प्रदान का कार्य, कौन मरम्मत करने का काम करता है, कौन फोटोकॉपी करता है, कौन पाठकों को रेफरेंस सर्विस देता है, या छोटी छोटी जो भी समसामयिक की पत्रिकाएं होती है, इन पत्रिकाओं को समय समय पर व्यवस्थापन करने का या खरीदने का कार्य कौन सा डिपार्ट करता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। साथ ही देखो यहाँ पर बुक सिलेक्शन के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, बुक सिलेक्शन मेथड यानी पुस्तक चयन के सिद्धांत भी आपको यहाँ से हर बार परीक्षा में क्या है बार बार मिलेंगे, यानी बुक सिलेक्शन का मेथड जो है, जो मुख्यतः जो मेथड यूज किए जा रहे हैं दोस्तों, चार बिंदु है जो हमने थ्योरी में जो पाठशाला में भी बता रखे हैं और पूर्व में यूट्यूब पे भी बताए थे। यानी यहां से अगर बात करें तो आपको मेलविन डेवी, यहां से अगर बात करें तो मेलविन डेवी, डेवी के बाद में बात करें दोस्तों मैकोलविन, डेवी के बाद में बात करें तो मैकोलविन, और मैकोलविन के बाद में बात करें दोस्तों तो यह है एफ डब्ल्यू डरूरी, फ्रांसिस डरूरी इनका पूरा नाम है, एफ डब्ल्यू डरूरी, और उसके बाद में बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इन चारों को दोस्तों आप एक बार पढ़ लीजिएगा और पूर्णतया दावे के साथ में है, देखो इन चारों से एक प्रश्न जो है वो हर हालत में एग्जाम में क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब केवल ये है कि इस समय जो है वो अपने पास टाइम कम है, और टाइम कम है इसलिए अपने को वो चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए जो अपन ने पूर्व में पढ़ रखी है, जो अपने थोड़ी बहुत याद है, अब याद नहीं है उनमें से वो चीजें, उनको अपन क्या करें कागज पे लिख सकते हैं, A4 साइज कागज बना सकते हैं, उस कागज पे कौन सी चीज कहां रही या आपको कितना याद हुआ, जो याद हुआ उसको आप छोड़ें, जो नहीं याद हुआ उसको आप क्या कर सकते हैं टॉपिक देखकर या किसी बुक्स का सहारा लेकर, हमारी जो नई किताब है मार्केट में उससे सहारा लेकर आप क्या कर सकते हैं उसको सही कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें रहेंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखो छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे यहाँ पर चार तरीके हैं तो आप ही समझो वैसे ही आपको याद रखना है चार प्रमुख पद्धतियां, जिनमें पत्रिका प्रबंधन और साथ ही बात करें तो परिसंचरण पद्धतियां, पत्रिका प्रबंधन और परिसंचरण पद्धतियां। अब कौन कौन सी, तो यहां से देखो चार नाम याद रखने आपने वो, यानी सबसे पहले बात करें दोस्तों पत्रिका प्रबंधन, तो थ्री कार्ड सिस्टम, यहां से आपने वो याद रखना है वो है थ्री कार्ड सिस्टम एक। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो कार्डेक्स, यहां पर याद रखना है कार्डेक्स। और इधर की बात करें तो इधर दो अपने को याद रखना है, एक तो याद रखना है निवार्क और एक पद्धति याद रखनी है ब्राउन ने पद्धति। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि लाइब्रेरी साइंस का पेपर टफ आएगा क्योंकि लास्ट ईयर पेपर बिक चुका है, या बहुत सारे जो गिरोह हैं वो सक्रिय हैं, गिरोह तो दोस्तों हर बार ही सक्रिय होते हैं, हर एग्जाम में सक्रिय होते हैं, बशर्ते एग्जाम जो इंक्लूड करवा रहा है या जो एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है उस पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितनी पारदर्शिता के साथ में लड़कों के साथ में या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में रखता है। तो हार्ड पेपर आए चाहे सरल आए अपने को उस पास ही नहीं लिखना, अपने को तो लेना है कि जहां से चार बातें, देखो नेवार्क और ब्राउन ने पद्धति, थ्री कार्ड सिस्टम और कार्डेक्स, यानी त्रिपत्रक पद्धति और कार्डेक्स पद्धति, साथ ही नेवार्क और ब्राउन ने पद्धति, इन चारों से अपने को यह पता होना चाहिए कि किस से क्या प्रश्न आएगा। या फिर आप यूं शामिल कर सकते हैं कि इन चारों से चाहे कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए वो मेरा क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। जैसे नेवार्क पद्धति कौन बनाता है, तो जॉन गोटनडाना, कब बनाता है तो उसका आपको सन याद होना चाहिए, कितने इसमें कार्ड है, न्यू जर्सी शहर में
कौन से पुस्तकालय में बनाता है, जैसे न्यूयॉर्क पुस्तकालय में बनाता है इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, नेवार्क रखा गया। तो वैसे ही ब्राउन ने पद्धति को निनाई ब्राउन बनाती है, कब बनाती है, उसमें कितने कार्ड होते हैं, निनाई ब्राउन जो होती है इसको कहाँ शुरू करती है, रोस्टन शहर के बोस्टन पुस्तकालय में ये कहाँ है, कहाँ लागू करती है। साथ ही थ्री कार्ड सिस्टम को डॉक्टर एस आर रंगनाथन सन 1930 में विकसित तो करते हैं लेकिन कहाँ करते हैं, कितने कार्ड होते हैं। वैसे ही कार्डेक्स को रेमिंगटन रेंड ऑफ इंडिया इंडिया में लागू करता है, इसके अंदर कैसे कार्ड होते हैं, या रेमिंगटन रेंड जो था वो कौन था। कहने का मतलब पेपर चाहे कितना ही हार्ड आए जो सिलेबस है उससे तो बाहर आएगा नहीं। तो सबसे पहला काम सिलेबस को बिंदुवार अध्ययन करें और थर्ड यूनिट से जैसे यहाँ पुस्तक चाहिए इनके चार सिद्धांतों से प्रश्न बनना है। यहाँ पर ये जो पत्रिका प्रबंधन और परिसंचरण पद्धतियां बनी हुई यहाँ से प्रश्न बनना है। दोस्तों एमबीए और जेडबीबी मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट या एफडब्ल्यू टेलर या यूं समझो प्रयोगात्मक स्कूल मानव व्यवहार स्कूल, इन सब से प्रत्येक से क्या बने हैं, प्रश्न बने हैं। सेक्शन में बात करें दोस्तों चार महत्वपूर्ण या पांच महत्वपूर्ण सेक्शन है उन्हीं से प्रश्न बने हैं। एक्यूजेशन क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, पीरियोडिकल क्या होता है, या संदर्भ विभाग क्या होता है। संदर्भ विभाग के बारे में पहले एग्जाम में पूछा गया है कि जो संदर्भ विभाग जो होता है वो सभी विभागों का क्या होता है, हृदय स्थल होता है। तो ऐसे ही दोस्तों यूजीसी नेट में पूछा गया है कि एक विश्वविद्यालय के जो छात्र होते हैं वो उसका क्या होते हैं, संगठनात्मक ढांचा या उसका स्ट्रक्चर होते हैं। तो वहां के जो अध्यापक जो होते हैं वो वहां की आत्मा होता है, तो वहां का प्रशासन जो है वो मस्तिष्क होता है और पुस्तकालय जो है वो वहां का क्या होता है, हृदय स्थल होता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ऐसे ही प्रश्न जो है वो एग्जाम में आने हैं। ऐसी परिभाषाओं का जिक्र मैंने पूर्व में भी किया है, अभी जो मार्केट में नई किताब है उस किताब में भी ये चीजें शामिल है, तो आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों बजट से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, साथ ही जो बुक बाइंडिंग जो है यानी जिल्दबंदी जो है पुस्तकालय बाइंडिंग जो है उससे प्रश्न आने हैं, और बात करें तो स्टॉक वेरिफिकेशन से प्रश्न आने हैं, लाइब्रेरी मैनुअल में यानी पुस्तकालय के नियम कौन से है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब यूनिट थर्ड जो रहेगी वो पूरा का पूरा टेक्निकल प्रोसेस होगा। अब तक अपन ने तीन की बात की, देखो पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरे की बात करें तो टेक्निकल, यानी तीन प्रकार के दिमाग अपने को इन आने वाले 20 से 25 दिनों में क्या करने हैं, खर्च करने हैं। पहले थ्योरी में खपत करना है, फिर प्रैक्टिकल में, और बात करें तो फिर अपने को थर्ड जो है वो टेक्निकल में। यानी अपना दिमाग, अगर आपका पहला दिमाग जो है सिद्धांतों पर चला, फिर प्रायोगिक चला और फिर आपका तकनीकी, तो आसानी से आपके तीन यूनिट क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों चौथे यूनिट की, तो चौथा यूनिट अपने शामिल करते हैं यहाँ पर यूनिट संख्या चार। अब यूनिट संख्या चार क्या है, देखो यूनिट संख्या चार जो है दोस्तों ये रेफरेंस सर्विस, चार जो है दोस्तों वो क्या है, रेफरेंस सर्विस है। अब रेफरेंस सर्विस की बात करें दोस्तों हिंदी में, तो सबसे पहले तो अपने को देखो दो चीज अपन पीछे सीखते हैं कि सबसे पहले इसकी परिभाषा, परिभाषा मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये हिंदी में है संदर्भ सेवा, हिंदी में है कौन सी सेवा, संदर्भ सेवा। अब ये संदर्भ सेवा की परिभाषा क्या होती है, संदर्भ सेवा को सबसे पहले बात प्रतिपादित करने वाला कौन था, सैमुअल स्वेडग्रीन की क्या भूमिका थी, यह सैमुअल रोथेनस्टीन कौन था, जेम्स आई वायर कौन था, इंडिया में अगर इसको शुरू करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की क्या भूमिका रही, इसके क्या टाइप्स क्या होते हैं, यानी इसको दो प्रकारों में बांटा गया, तो दो प्रकार जो है इसके वो दो प्रकार त्वरित और दीर्घगामी या दीर्घकालीन जो संदर्भ सेवा है उनमें क्या फर्क है, फिर इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है, इसका जो ढांचा बना होता है वो एक पुस्तकालय में कहां बना होता है, क्या यहां पर भी कोई अर्ध गोलाकार आकृति की कोई डेस्क होती है क्या, भारत में बात करें तो संदर्भ सहायक के पद का निर्माण कब किया गया, तो सन 1937 में यानी 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा संदर्भ सहायक के पद का निर्माण किया गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि भारत में इसको लागू किया गया, तो इसकी पूर्णतया जो पहली जो अभिव्यक्ति थी वो सन 1929 में हो गई थी, लेकिन इसको एक महत्वपूर्ण आयाम या एक जो विकसित पड़ाव जो दिया गया वो सन 1937 में दिया गया। इसी दौरान मद्रास विश्वविद्यालय में दोस्तों एक पाठ्यक्रम भी शुरू हुआ, अगर आप इनको जानते हैं तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम शुरू हुआ। और साथ ही अगर बाकी बात करें तो त्वरित क्या होती है और दीर्घकालीन क्या होती है, जैसे कुछ ही क्षण में जो सेवा क्या हो जाए, संपन्न हो जाए, वो कैसी सेवा, त्वरित संदर्भ सेवा, जिसके लिए समय की क्या हो अधिक आवश्यकता हो या अधिक समय की क्या बड़ी जरूरत पड़े वो क्या है, दीर्घकालीन सेवा।
पूर्व की एग्जाम 2016 में दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि आप किसी शहर के किनारे या किसी शहर के नुक्कड़ पे खड़े हैं और वहां से अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज का या साइंस कॉलेज का या मेडिकल कॉलेज का आप एड्रेस पूछते हैं तो वो किस प्रकार की सेवा में शामिल रहेगा, तो वो त्वरित संदर्भ सेवा में शामिल रहेगा। वर्ड में अगर बात करें तो त्वरित संदर्भ सेवा का जनक जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है, जिन्होंने उसके लिए अधिकतम 30 मिनट का क्या किया है, प्रावधान किया है। यानी कहने का मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं या जो सिलेबस का जो बिंदुवार अध्ययन करने वाली जो बात है उसको आप शामिल करेंगे तो आप आराम से इन चीजों को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। और जैसा हमारा जो मोटिव था, मैंने पूर्व में भी बोला है कि कम टाइम में अगर आप अधिक सीखने के इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस प्रकार के जो ट्रिक्स हैं या इस प्रकार के जो तरीके हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, ईजाद करने पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ से फोर्थ यूनिट में अगर बात करें तो यहाँ से मेन मोटा काम आएगा वो आएगा तो CAS का और एक आएगा SDI का। यानी CAS और SDI क्या है, करंट अवॉइडेंस सर्विस और सेलेक्टिव डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। और बात करें दोस्तों तो यहाँ से जो इंपोर्टेंट पर्सन बनेगा वो बनेगा इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का। वो बनेगा क्या भाई, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी सूचना के स्रोत जो है वो कौन कौन से होते हैं और ये सूचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में कौन बांटता है, तीन भागों में कौन बांटता है या चार में किसने बांटा, हेंसन कौन था, डेनिस ग्रोगन कौन था और एस आर रंगनाथन कौन थे, दो में बांटने वाले CW हेंसन, तीन में बांटने वाले डेनिस ग्रोगन और चार में बांटने वाले डॉक्टर एस आर रंगनाथन, कैसे इनको बांटते हैं और क्या नाम देते हैं, इसे परंपरागत देते हैं या फिर अपरंपरागत देते हैं या प्राथमिक द्वितीय तृतीय देते हैं या फिर इनको अलग कोई स्वरूप में मेटा डाटा या ऐसे कोई तत्व को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, वो सारी चीजें अपने को यहाँ से क्या करनी है, याद करनी है। साथ ही दोस्तों यहाँ से यूनिट संख्या चार में अगर पेपर हार्ड हुआ तो हार्ड पेपर हुआ तब पूछा जा सकता है, देखो तब यहाँ से छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है, जैसे क्या पूछा जा सकता है तो वो आपको याद करना है आने वाले दिनों में। आज जैसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल हुज़ू पूछा जा सकता है एक चीज, और पूछा जाए तो इंडियाज हुज़ू पूछा जा सकता है। और बात करें दोस्तों यहाँ से तो और छोटी छोटी बातें हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक पूछा जा सकता है। और बात करें दोस्तों यहाँ से तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे इंडेक्स इंडिया है, इंडेक्स इंडिया पूछी जा सकती है या यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में दोस्तों यहाँ से अगर पेपर बना तो ये समझो कि पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ये सारी पत्रिकाएं हैं और इन पत्रिकाओं की समय समय पर क्या होती है, अलग अलग आवृत्तियां होती है। जैसे गजेटियर ऑफ इंडिया है, गजेटियर ऑफ इंडिया क्या करता है और ये क्यों किस काम में आता है गजेटियर ऑफ इंडिया, या साथ ही बात करें इंटरनेशनल हुज़ू का प्रयोग क्यों किया जाता है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, इसका प्रकाशन कहां से किया जाता है, सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कहां किया गया, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है तो एक निर्देशिका है, प्रश्न पूछा गया कि यह सूचना का कौन सा स्रोत है तो यह सूचना का तृतीय स्रोत है। दोस्तों एक प्रश्न है फैक्ट ऑन फाइल, यानी एग्जाम में पूछा गया पहले UGC नेट में फैक्ट ऑन फाइल क्या है। अब बहुत सारी किताबों में लिखा रहेगा कि फैक्ट ऑन फाइल जो है वो प्राथमिक स्रोत है, कुछ में लिखा रहेगा द्वितीय स्रोत है, कुछ में लिखा रहेगा तृतीय स्रोत है। अपने को आज की वीडियो के माध्यम से सीखना है दोस्तों कि ये सूचना का सेकेंडरी सोर्स है, सूचना का क्या है, सेकेंडरी स्रोत है। और कैसे है सेकेंडरी सोर्स ये, तो आपको याद रखना है यह एक न्यूज अब्स्ट्रैक्ट है, यह एक क्या है, न्यूज अब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों ये। और न्यूज अब्स्ट्रैक्ट यानी अब्स्ट्रैक्ट जहां भी आएंगे वो सारे के सारे कैसे स्रोत होंगे, वो द्वितीयक स्रोत होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर का लेवल अगर हार्ड हुआ या कठिन हुआ तो यूं समझ लीजिएगा कि इंटरनेशनल हुज़ू, इंडिया जू, स्टेटमेंट ऑफ ईयर बुक, इंडेक्स इंडिया, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल या पहले KVS के एग्जाम में पूछा गया है इंडेक्स इंडियाना, इनकी आवृत्ति पूछी जा सकती है। और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें, इंडेक्स मेडिकस है। इस बार जो सेकेंड ईयर का एग्जाम आया था उसमें आया था वो रेफरल जर्नल ये भी यहाँ से क्या है एग्जाम में जो है दोस्तों ये प्रश्न भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये प्रश्न पूछे गए तो यहाँ से पेपर का लेवल क्या होगा, टफ होगा।
इन सब की रामबाण उस दिन दोस्तों आप कहां से पढ़े कैसे पढ़े तो वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें हमने हमारी बुक में भी शामिल की है, साथ ही और यहां से अगर आपको पढ़ना हो तो आप बीएमयू का यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो सूचना स्रोत वाला जो पेपर है यानी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का जो पेपर है उसको आप यहां से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक एक लाइन में जो है वो प्रत्येक चीज जो है वो आपको यहाँ से क्या हो जाएगी मिल जाएगी। जैसे डेटा इंडिया क्या है, डेटा इंडिया की आवृत्ति कैसी है, या किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है। अगर एग्जाम में सीधे पूछे गए दोस्तों तो यहाँ से जो सीधा सीधा प्रश्न आना है अगर आप यहाँ से सही करना चाहते हैं तो वर्तमान कोटा की बुक्स पढ़ सकते हैं, साथ ही अगर आप उसके साथ में एक रेफरेंस बुक पढ़ना चाहें तो कोई अन्य बुक देख सकते हैं। हमारी बुक में भी ये चीजें क्या है शामिल है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं भली भांति देख सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों यूनिट संख्या 5 की, तो अपना जो यूनिट 5 जो है वो यूनिट 5 जो है दोस्तों ये यूनिट 5 आप याद रखेंगे कि यूनिट 5 जो है वो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब यहाँ बेसिक कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो बेसिक के पार्ट के आने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन किसके आने हैं बेसिक से आने हैं। अब बेसिक के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर के कंप्यूटर है क्या, वर्ड में कौन शुरुआत करता है, कौन एनालिटिकल या डिफरेंस इंजन बनाता है, फिर उसके बाद में कहां पर चार्ल्स बैबेज कहां थे, या जेपी एकर्ट या जॉन मोचली कौन था, आईबीएम की कोई भूमिका थी क्या, इंटेल का भी कोई यहां पर रोल रहा क्या। आगे बात करें तो वहां टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो यहां पर छोटी छोटी चीज बनेगी वो बनेगी कंप्यूटर की जनरेशन यानी पीढ़ियां, और पीढ़ियों से एक पर्सन जो है वो पक्का आ जाएगा। 5 पीढ़ियां हैं, 5 में अगर बात करें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब के बाद में ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और इंटेलिजेंसी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन 5ों से एक पर्सन जो है दोस्तों वो पक्का बनना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी फादर किसे कहा जाता है अगर आप जानते हैं तो हमें आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। जॉन मेकार्थी की कोई भूमिका थी क्या, या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वहां से भी प्रश्न बनने की क्या रहेंगी संभावनाएं रहेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वहां से प्रश्न बन सकते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यानी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर याद रखने हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी हाउसकीपिंग सर्विसेज और बात करें दोस्तों यहाँ से तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग के अलावा ई जनरल्स और ई पीरियोडिकल्स आपको याद रखने हैं। साथ ही यहाँ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव दोस्तों वो है ई बुक क्या होती है, ई बुक किन माध्यम से पढ़ी जा सकती है। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों बेसिक वाले पार्ट से जो प्रश्न आएंगे 8 से 10 रहेंगे, तो लाइब्रेरी से जो प्रश्न आएंगे आप ये समझो वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन से सीधा प्रश्न अगर आया तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अवधारणा वर्ल्ड में सबसे पहली बार कौन प्रतिपादित करता है, तो डीएस हार्डर का नाम आपको याद रखना है, सन 1936 को याद रखना है। डीएस हार्डर कहाँ काम करता था वो आपको याद रखना है। ऑटोमेशन है क्या, वास्तव में मशीनीकरण या पुस्तकालय संचालन होता क्या है, एक पुस्तकालय को क्या करना, कंप्यूटरीकृत स्वरूप में चलाना ही क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन की शुरुआत कहां से होती है, या ऑटोमेटेड लाइब्रेरियों अगर आज सर्वाधिक बनी हुई है तो वहां पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं, साथ ही कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन से हैं, इन सब की आपको क्या करनी पड़ेगी एक साथ इकट्ठी जानकारी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, पहला थ्योरी का पार्ट है, तो दूसरा प्रैक्टिकल का, तो तीसरा टेक्निकल, तो चौथा जो है वो अपना रेफरेंस सर्विस, और पांचवा जो है वो लाइब्रेरी बेसिक कंप्यूटर। तो 4 और 5 चीजें दोनों सेम है यानी 4 और 5 यूनिट बराबर है, 3 1 से लेकर 3 की शुरुआत जो है वो आपको लगातार करनी है। आने वाले दिनों में आप इनके लिए टाइम शेड्यूल बना सकते हैं, फर्स्ट यूनिट मेरे हिसाब से लगभग 3 दिन मैक्सिमम मानिए, तो आप 4th यूनिट को 3 से 4 दिन, 2nd यूनिट को 4 दिन, आने वाले टाइम में कंप्यूटर के लिए बात करें तो 4 डेज, और अगर बात करें रेफरेंस सर्विस या 4th यूनिट के लिए तो 2 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 20 दिन में अगर इसका टाइम शेड्यूल बनाते हैं तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, इन चीजों को सही कर लेंगे। साथ ही दोस्तों हमारी नई बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है दोस्तों, बुक को बनाने में मेरे साथ में अपने साथी जो जीएस भाटी यानी जो घनश्याम भाटी सर है इनका बहुत बड़ा रोल है, साथ ही बीआर चौधरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस पुस्तक में। मेरा तो जैसा आप देखते आए हैं पहले से ही वो हर बार रहता है दोस्तों किताब में, वो बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल जो है वो हमने डालने का प्रयास किया है,
कि कौन सी चीजें कहाँ है, कैसे है, इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं। इंडेक्स के अलावा इसमें कैसा मटेरियल है दोस्तों, मानव स्वभाव है, त्रुटियां जहां भी होती हैं आप समझो वहां पर सुधार की गुंजाइश रहती है। इस बुक में वो काम कम से कम है और बहुत ही शानदार और यू समझो एक वेल स्टडी मटेरियल जो है वो इस किताब में आपको क्या है मिलेगा। आप राजस्थान में अगर इसकी तैयारी करते हैं या आने वाले टाइम में अगर आप NTA नेट अगर क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ये किताब जो है वो आपके लिए बड़ी क्या होगी, एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करने वाली क्या होगी, किताब होगी। नई शुरुआत है दोस्तों, और इस नई शुरुआत को आप ये समझिएगा कि आप बड़ा तब बना पाएंगे जब इसमें इस भर्ती में राजस्थान के मैक्सिमम लोग क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है और आने वाले टाइम में भी आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है वो यूट्यूब के माध्यम से या जो पाठशाला के माध्यम से डालने की कोशिश करेंगे। अभी भी दोस्तों चुनिंदा आप अभी भी आप समझो तो ये समझो कि कम से कम जो शुल्क है उस शुल्क के माध्यम से आपके लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, और यहाँ भी अगर कहीं गुंजाइश की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हम लोग रियायत करने की भी कोशिश करते हैं। फिर भी कहीं लगता है तो आप अपना जो भी आपका रीजन है वो आप रीजन आप टेक्निकल टीम को साथ में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक नई शुरुआत के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।